मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ धाम जो बैद्यनाथ धाम से कम नहीं है, और यहाँ आज से जो सोमवारी का पहला दिन है और जलाभिषेक करना लोगों ने शुरू कर दिए हैं। लगभग 50,000 कांवड़ियों ने यहाँ पर जलाभिषेक किया है। जलाभिषेक जो किया जा रहा है वो अर्घा के माध्यम से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये अर्घा है और ये अर्घा सीधे बाबा के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहा है, और इसी जला अर्घा में लोग अपना जलाभिषेक कर रहे हैं, और इसके माध्यम से जो जल बाबा के ऊपर पड़ रहा है, और लोग यहाँ पर कांवड़िया जो है 50,000 से अधिक कांवड़िया यहाँ पर जलाभिषेक किए हैं। लगभग अभी जो आप देख रहे हैं दृश्य, यहाँ लोकल जो भक्त हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं, यहाँ के जो लोकल भक्त हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में अभी तक जलाभिषेक हो चुका है। मुजफ्फरपुर का ये गरीबनाथ धाम जो कहीं बैद्यनाथ धाम से कम नहीं है, और इसकी महत्ता बहुत ही अधिक हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में जलाभिषेक जो सोमवारी है आज से शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और हम अभी बाबा गरीबनाथ धाम के परिसर में मौजूद हैं, और आप पीछे देख सकते हैं पीछे बाबा की जो बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर जलाभिषेक हो रहा है, लेकिन अर्घा के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि जो बाबा का गर्भगृह है वो बहुत ही संकीर्ण है, वहाँ पर जाना मुश्किल है। जा तो जाएंगे, जहाँ जा तो सकते हैं लेकिन वहाँ से निकलना मुश्किल है, इसलिए जो भी जलाभिषेक हो रहा है वो अर्घा के माध्यम से हो रहा है। बहुत सारे यहाँ पर सेवा दल के सदस्य मौजूद हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर सेवा दल के सदस्य मौजूद हैं। बहुत सारे रजिस्टर्ड सेवा दल हैं, और बहुत जो हैं सो वो लोकल सेवा दल हैं। इन सब की यहाँ पर संलिप्तता रहती है, जो लोगों को मदद करते हैं, कांवड़ियों को यहाँ तक पहुँचाने में इनकी अहम भूमिका होती है। मुजफ्फरपुर से दर्श न्यूज़ के लिए मैं मुकेश ठाकुर।